अंजलि, will you marry me? शादी करोगी मुझसे? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? Oh my God! Of course I will marry you. सर कुछ आवाज आ रही है यहां से। सर, सर, जिंदा है, इसके शरीर पे चाकू का घाव है, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे। जल्दी गाड़ी में डालो इसे। पंकज जल्दी देखिए। सर, सर हमें तो फोन आया था कि किसी को रेस्टोरेंट के अंदर चाकू मारा गया, ये तो यहाँ पर। जल्दी ले जाओ, हमें मर्डर का फोन आया था, मगर ये आदमी तो जिंदा है। मतलब सर, खूनी ने दो लोगों पे हमला किया, एक को रेस्टोरेंट के अंदर मारा और दूसरे को यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं, संभाल के। सर सीआईडी? हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बॉडी कहाँ है? उधर है सर, चलिए। यहाँ पे होटल के बाहर एक घायल आदमी पड़ा हुआ था, किसी ने चाकू से उस पर हमला किया, आप लोगों को पता नहीं चला? एक और घायल आदमी? सर हम तो यहाँ पे इस मर्डर के सदमे से बाहर तक नहीं निकल पाए, और बाहर एक और खून हो गया। खून नहीं हुआ है, इसे अस्पताल लेके गए, समझे? लगता चाकू मारा है। हथियार किसी ने देखा था? जी बड़ा सा नाइफ था, किचन नाइफ। इसी रेस्टोरेंट के किचन का चाकू था? नहीं जी, हमारे रेस्टोरेंट का नहीं था वो। ये हमला करने से पहले उसने कुछ बोला था क्या? नहीं सर, हम लोग बात कर रहे थे और अचानक ही जतिन के पीठ पे हमला कर दिया और वो भाग गया। उस आदमी का चेहरा देखा? दिखता कैसा था वो? नहीं सर, चेहरा तो नहीं देखा, एक्चुअली उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, और वो सुपर हीरो पहनते ना पीछे, वैसा कुछ था। मास्क पहन के आया? केप पहन के? मतलब चेहरा छुपाना चाहता होगा। क्या अंजलि, आप जतिन की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत ही सीधा आदमी था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? इस पे भी जतिन की तरह हमला किया है, शायद उसी मुजरिम ने। नहीं, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरा है रेस्टोरेंट में? सर एक्चुअली मेन एंट्रेंस पर है। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे आपने बताया, केप और मास्क पहन कर अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आता तो सिक्योरिटी उसे रोक लेती बाहर। इसका मतलब है वो नॉर्मल कपड़ों में यहाँ पे आया था, उसके बाद शायद वॉशरूम में जाके उसने कपड़े बदले होंगे। हो सकता है। ये केप के पीछे उसने क्या कपड़े पहने थे, कुछ याद है? सर उसके नीचे काले कपड़े पहने हुए थे उसने। सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ पे आए थे काले कपड़े पहन के। पंकज, गुड गुड, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? वो आदमी खतरे से बाहर है, उसका नाम मेहर है, जाके देखता हूँ उसे भी इसी मास्क वाले आदमी ने मारा था या किसी और ने। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेटर है सर, थैंक यू सो मच। सर जिसने तुम्हें चाकू मारा से पहचानते हो? नहीं सर, उसने चेहरे पे अजीब सा मास्क पहने रखा था,
जब ही मैंने मेरी कार पार्क करी और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा तो अचानक से वो मेरे सामने आया और मुझसे टकरा गया। मेरे हाथ में जो गिफ्ट था क्रिस्टल वास टूट गया। अरे देख नहीं सकता क्या अंदर? मेरी गिफ्ट तोड़ दी क्या? देख नहीं सकता क्या? या वो वहां से भागने के बजाय तुम्हारे पास आया और पेट में चाकू मार दिया। हाँ सर, और तुम उसे जानते भी नहीं थे। ये बाइक कैसी थी याद है? उसका कलर नंबर कुछ? शायद ब्लैक कलर की थी। हाँ लेकिन बाइक का नंबर नहीं देख पाया मैं सर। हाँ क्या, कहाँ पे? ये सब हुआ कैसे? साहब हम लोग चाय पीने गए थे तो रामू यहाँ इधर अकेला था। हम जैसे ही वापस आए तो देखा कि ए, कौन है तुम? अरे क्या किया रामू को? अरे इसको संभालो। साहब हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन साहब वो हाथ से निकल गया। सर ये खूनी तो बहुत सरफिर है, बेवजह खून किया जा रहा है। कुछ भी बेवजह नहीं होता पंकज, कोई भी चीज चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सर इन तीनों हमलों की वजह क्या हो सकती है? जतिन, मिहिर, रामू, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कनेक्शन है पंकज। क्या सर? पर्पल कलर, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग? सर समझा नहीं। इन तीनों लोग पे जिन पे हमला हुआ है, ये मिहिर, जतिन और अब ये रामू, इनमें एक चीज कॉमन है, इन तीनों ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। एक कलर से आदमी को इतनी नफरत हो सकती है कि वो खून करने पे आ जाए? अब इसका जवाब तो वो मास्क वाला आदमी दे सकता है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता इस शहर में हर वो आदमी खतरे में है जिसने बैंगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे बाइक गिरी थी उधर कांच का कुछ टुकड़ा दिख रहा है, लगता है बाइक से ही टूट के गिरा होगा। ये कांच बाइक के हेडलाइट की है, ये देखो ये ग्लास यहां मुड़ा हुआ है। ये कैसी हेडलाइट है यार? ये मैकेनिज्म तो पहले कभी देखा नहीं। एक मिनट, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे ही किसी हेडलाइट के बारे में, फिर से चेक करना पड़ेगा। सर रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से इन छह लोगों की पिक्चर्स मिली। खूनी है तो इन्हीं छह लोगों में से कोई एक, मगर कौन? ये देखो लगे हुए सब अपने अपने काम में। मेरा बर्थडे है लेकिन किसी को विश करने की चिंता नहीं है। ये है दोस्ती का नमूना। अरे चारू के साथ आप कब आए? 50 साल पहले। 55 साल पहले? हाँ 55 साल पहले, फिर भी याद नहीं है। अरे तो आके चुपचाप क्यों खड़े थे? गला खराब है क्या आपका? मेरा कोई गला खराब नहीं है, और मैं चुप कहूँ? चुप तो तुम हो। यार कोई बड़ा सुराग लाया है तुम बताना यार। यार तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुराग ही सुराग है बस, और कुछ नहीं। अरे कुछ और भी है भाई जिंदगी में, कुछ और भी है। और क्या होता है? कुछ नहीं है, सुराग चाहिए ना, सुराग लाया। क्या अच्छी बात हुई। वो जो जिसने चाकू से वार किए ना वो कोई नौसा किया है, प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा और ये आपने कैसे पता लगाया? जिस तरह से चाकू से वार हुए ना उससे पता लगता है, अंधाधुंध चाकू से वार हुए बिना सोचे समझे। अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ?
मैं भी अभी आप ही को याद कर रहा था। तुम मुझे याद कर रहे थे? थैंक यू दया, कम से कम तुम्हें तो याद है यार। क्या याद है, क्या याद है बताओ, बताओ दया, क्या याद है? इन लोगों से किसी बात की उम्मीद लगाना देखा बताओ। सर आपका वो तोहफा है। तोहफा लायो, दिखाओ दिखाओ यार, सबके सामने दिखाओ। नहीं नहीं, वो तोहफा मैंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। अरे एक मिनट, ये कौन से तोहफे की बात कर रहे हो यार तुम? और किस लिए? इनका कोई बर्थडे बर्थडे थोड़ी ना आज। अरे वो बर्थडे वाला तोहफा नहीं, काम का तोहफा। उस सर ने केस 415 की बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाई थी, तो वो मैंने भेज दी फॉरेंसिक में। सर तुम इस तोहफे की बात कर रहे थे, बैलिस्टिक रिपोर्ट है? बैलिस्टिक रिपोर्ट कोई तोहफा होता है क्या यार? तो आप क्या समझ रहे थे सर, मतलब? छोड़ो यार, जाने दो। अरे सर सुनो। अरे जाने दो यार बस, उन्हें सुनाओ तुम जो सुना। अरे वो क्या गया है सारुके को? शायद टेंशन होगा केस का इसके लिए। सर ये जो बाइक के हेडलाइट का जो टूटा हुआ ग्लास मिला था क्राइम सीन से, ये एक खास किस्म का हेडलाइट है सर। इसका नाम है एडाप्टिव सेंसरी हेडलाइट। और इसमें ये जो मैकेनिज्म है सर, ये सेंसर की तरह काम करता है। ये कैसी हेडलाइट है सर? ये बहुत ही खास किस्म का हेडलाइट है पंकज। ये हेडलाइट कैलकुलेट कर लेता है कि बाइक किस एंगल पर मुड़ने वाला है, और उस हिसाब से वहाँ वहाँ रोशनी फेंकती है जहाँ जहाँ साधारण बाइक के हेडलाइट की रोशनी नहीं पहुँचती सर। सर तो इन हेडलाइट्स के जरिए हम मुजरिम तक पहुँच पाएंगे? हाँ पूर्वी, क्योंकि ये बहुत ही महंगा मैकेनिज्म है सर, और अभी तक इंडिया में एक ही बाइक कंपनी है जिसके पास ये है, और शहर में उनके सिर्फ दो शोरूम्स। तो फिर बस तुम एक शोरूम में जाओ गया और दूसरे शोरूम में अभिजीत जाएगा। सर ओके सर। कौन सी बाइक चाहिए बस पसंद कीजिए, चाबी हम आपको थमा देंगे। ये ईएमआई पे मिलता है? हाँ जरूर सर मिलता है। एक मिनट, हम लोग यहाँ बाइक खरीदने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से हैं, जरा अपने मैनेजर साहब को बुलाइए। जी कहिए क्या बात है? मैं साहब आपके कंपनी की जो बाइक में नए किस्म की लाइट आने लगी है ना, ये एडॉप्टिव सेंसर लाइट, हमें ऐसे कस्टमर का पता करना है जिसे आपने ऐसी हेडलाइट वाली बाइक बेची हो। जी ऐसे हेडलाइट वाली बाइक अभी तक तो शोरूम में आई नहीं है, और ना ही हमने ऐसी कोई बाइक बेची है। ऐसी हेडलाइट आपकी कंपनी बनाती है ना? देखिए दो खून हो गए हैं, और एक क्राइम सीन पे हमें ऐसी हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। अगर आपने बाइक बेची नहीं तो वो टुकड़े वहां पहुंचे कैसे? पता नहीं सर कैसे पहुंची है, और ये हेडलाइट तो अभी तक इंडिया में ही नहीं आई है, 5 दिन बाद आने वाली है। आप चाहे तो पूछताछ करके देखिए। ये फोटोग्राफ देखिए, इनमें से किसी को पहचानते हैं आप? नहीं सर, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता हूं। ओके थैंक यू वेरी मच। सर क्या बात है? सर ये मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर झूठ बोल रहे हैं, क्या मतलब? सर उस हेडलाइट के 3 पीसेस आए थे सर हमारे शोरूम में ट्रायल के लिए। सर ट्रायल के बाद एक दिन अचानक से सब गायब हो गए। सर इस मैनेजर ने दिए हैं वो 3 पीसेस अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। ये फोटोग्राफ्स में से किसी को पहचानते हो तुम? ये देखो। सर ये तो सनी है, मैनेजर का बेटा। मैनेजर का बेटा? सनी कहाँ है? अंदर कमरे में। कमरे में सनी? सनी सनी दरवाजा खोलो। अरे हुआ क्या है? सनी दरवाजा खोलो। उठा के रखा है? शुक्र करो सिर्फ आसमान सर पे उठा के रखा हूँ। अगर मैंने दिमाग से काम नहीं लिया होता ना तो अपना बेटा चक्की पीस रहा होता अभी, चक्की। ओहो आखिर सनी ने किया क्या है बताओगे तुम? खून किया है। देखिए हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आपने हमसे झूठ बोला है। सनी कहाँ है? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। लोग हैं कौन मुझे बताएंगे आप? सनी है कहाँ? सनी इस कमरे में है। पीछे हटिए आप। सनी सनी दरवाजा खोलो। सनी सनी सनी
हमारा यकीन कीजिए सर, हमें पता नहीं था कि सनी ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो पता चल ही गया होगा कि वो चाकू आप ही के घर का है और उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले वो सनी की ही है। ये कैसे हुआ? सनी पे तुम ध्यान नहीं रख सकती हो? थोड़ा ध्यान रखना सिर्फ मेरा काम था, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए आप दोनों। सिर्फ इतना बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि सनी ने जतिन, मिहिर और रामू पर हमला किया? पता नहीं सर, हम तो उन लोगों को जानते तक नहीं थे और जहाँ तक मुझे पता है सनी भी उन्हें नहीं जानता था। वो तीन लोग जिनका खून हुआ, उन लोगों ने बैंगनी पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी जब सनी ने उन पर हमला किया, तो क्या सनी को पर्पल रंग से कोई कुछ नफरत है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सनी अभी भी होश में नहीं दिख रहा है और जब हम उसे कमरे में गए थे वो दरवाजा तोड़ के, तब भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये कोई नई बात नहीं है सर, ये तो उस दिन से चल रहा है जिस दिन उसने वो टीवी शो रॉकेट मैन देखना शुरू किया था। क्या रॉकेट मैन? हाँ सर, उस टीवी शो की ऐसी लत लगी है उसे, ना तो टाइम पे खाता है और ना ही सोता है और घर से तो क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलता है। रॉकेट मैन, सर साइबर टीम ने सनी का कंप्यूटर चेक किया तो पता चला कि उसने ये रॉकेट मैन वाला शो का हर एपिसोड 90 बार देखा है। 90 बार, 90 टाइम्स है क्या इस शो में ऐसा? सर ये शो बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसकी शूटिंग यही चल रही है मुंबई में। सर इस टीवी शो में रॉकेट मैन ने जिस आदमी को मारा उसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी, तो कहीं यही कनेक्शन तो नहीं? शायद ये सनी खुद को सीरियल का हीरो समझ रहा है, रॉकेट मैन बनकर उन लोगों का फोन कर रहा है जिन्होंने बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। लगता तो ऐसे ही है पर क्यों? सर, सर साइबर टीम से पता चला है कि जिस वक्त रामू का खून हुआ था उस वक्त सनी कंप्यूटर पे लॉग्ड इन था। तो उस वक्त ये सनी घर पे ही था? हाँ सर, और उसकी मोबाइल की लोकेशन भी घर पे ही दिखा रही थी। सर ये सनी ने रामू का खून नहीं किया सर। सनी के अलावा कोई और भी ऐसा है जो इस रॉकेट मैन के चलते बैंगनी कलर के कपड़े पहनने वालों का खून कर रहा है? लेकिन सर इस रॉकेट मैन के सरफिरे फैंस तक पहुंचेंगे कैसे? पंकज एक काम करो, साइबर टीम से कहो कि उन लोगों की लिस्ट बनाए जो इस रॉकेट मैन शो के फैन है और उन लोगों को ढूंढो जो बार बार रिपीट पे रिपीट एपिसोड देखते हैं रॉकेट मैन। और एक बार साइबर टीम से ये भी कहो कि जब तक हमारे इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता ये शो इंटरनेट से हटा दे। और भैया जरा इस रॉकेट मैन के सेट पर जाकर देखो तो सही, ये सारा चक्कर है क्या? क्यों ये रॉकेट मैन देखने के बाद लोग खून कर रहे हैं? केवी 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 लगाया हुआ आपने, ये केवी है क्या? चुप रहा है, मुझे खुजली हो रही है। तुम्हें तो हर चीज में खुजली रहते, कहां से खुजली हो रही? देखो कैसे हो सकती है, खुजली हो रही है, खुजली मुझे। ये देखो कि मैं सॉफ्ट कपड़ा लगाया हुआ है नीचे। मैडम गरम मिनट, खुजली हो रही है। काजल जी प्लीज एक बार शूट खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप लगा देना अपना सिग्नेचर। मुझे नहीं आपके शो में काम करना सर, आप मुझे माफ कीजिए, मेरे हर कॉस्ट्यूम पे ये साइन रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर मैं। तो सर मुबारक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं ही रहूंगा। चलो शूट करते हैं, चलो आ जाए। लिसन, ये भी उतारो, अब भी उतारो सारे कपड़े, अब पता चलेगा इसको। मेरे कपड़े उतार दिए आप लोग। सर अरे क्या दिख रहा नहीं है, मैं बिजी हूँ। सॉरी सर, कुछ अर्जेंट था सर। अच्छा, इनके झगड़े थे भी अर्जेंट? जी सर, वो सीआईडी वाले आए सर। माफ कीजिए, आपको शूटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, इसमें डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं, आप चाय लेंगे कॉफी? दीपक नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आप जरा ये वीडियो देखिए। अरे ये तो मतलब पहचान लिया होगा, आप ही के शो? आपके इस रॉकेट शो की वजह से शहर में दो दो लोगों के खून हो गए। क्या जी? मतलब हमारा शो देख के लोगों के खून हो रहे हैं? देखिए सर, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। पहली बात तो ये वीडियो हमारे शो का है ही नहीं। क्या ये वीडियो रॉकेट मैन का नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नकली है।
इसमें आप मिस्टर ब्रेन का कैरेक्टर देखिए, बिल्कुल अलग है। ये हमारे मिस्टर ब्रेन है। नमस्कार सर, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस शो के बहुत सारे फैंस हैं सर, वो उन लोगों में से किसी ने इसका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया होगा। और सर हम लोगों को अलाउड ही नहीं है कि हम इस शो का कोई भी वीडियो इंटरनेट पे डालें, वरना टीवी चैनल हम पर केस कर देंगे। अच्छा हेलो, आदे सर। आप पंकज, हम लोग यहाँ पे वो रॉकेट मैन शो के सेट पे हैं। इनका कहना है कि वो वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाया। साइबर टीम से पता करो कि ये वीडियो बनाया किसने और इंटरनेट पे किसने डाला। सर वो साइबर टीम की एक खबर मुझे आपको भी देनी थी। हाँ बताओ। सर क्या है, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है साइबर टीम ने उनकी पूरी कुंडली निकाल ली है। उसमें से एक आईपी एड्रेस है सर जिसने 60 बार वो वीडियो देखा है। 60 बार? हाँ सर। लगता है ये भी सनी की तरह इस शो का कोई बहुत बड़ा फैन है। सर परम नाम है उसका, दिन भर इंटरनेट पे बैठा रहता है और उसने इंटरनेट से सर रॉकेट मैन का कॉस्ट्यूम और मास्क भी मंगाया। अच्छा। हाँ सर, कल दोपहर को ही मंगाया उसने। दोपहर को डिलीवर हुआ परम को और रात को रामू का खून हुआ। लगता है ये दूसरा खूनी ये परम ही है। एक काम करो, इस परम का लोकेशन जल्दी भेजो मुझे। अभी भेजता हूँ सर। डॉक्टर साहब अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे यहाँ पे। श्योर। थैंक यू। काजल जी जरा एक मिनट यहाँ आइएगा। जी सर। आपसे थोड़ा काम था। जी। सर यही वो परम का एड्रेस है जो पंकज ने दिया था। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मैम परम कहाँ है? वो जस्ट अभी अभी बाहर गया है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ, वो होता है ना जिसमें लोग अजीब अजीब से कपड़े पहनकर जाते हैं, वो भी कोई मास्क और किसी लंबी सी ड्रेस में गया है। अभी जस्ट बाइक में ही गया है वो। वो कहाँ जा रहा है कुछ बताया उसने आपको? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आप लोग हैं कौन? हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि वो गया किस तरफ है? 5 मिनट पहले निकला वो यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में इस परम के बारे में अलर्ट करो। उसे कहो कि अंधेरे के आसपास कोई केप और मास्क पहन के बाइक चलाते हुए देखा गया है। और हाँ, हम लोग भी यहाँ से अलग अलग दिशाओं में चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। ठीक है। हाँ पूर्वी, एनी लक? सर अभी तक तो नहीं। ठीक है, नजर रखो आसपास। ओके। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। होगा, आसपास से कहीं होना चाहिए ये। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी को बाइक पे जाते हुए देखा, मास्क पहने हुए, लंबा सा कपड़ा था। नहीं सर। नहीं? आप भी? सर बाइक पे एक लड़का जा रहा है जिसने मास्क और केप पहन रखा है। यही है सर। कितनी दूर है तुमसे? सर ये कोई 100-150 मीटर की दूरी पर। सर मैं आरटीओ ऑफिसर को बोल दूं उसे पकड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसके पास हथियार भी हो सकता है, चांस मत लो। उसको फॉलो करो। वो किस तरफ जा किस तरफ रहा है? सर यहाँ पर एलिफेंट चौक। रेडी, एलिफेंट चौक पहुँचाओ। यस सर। भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए उस बाइक वाले के पीछे। लेफ्ट लो।
काजल जी जरा एक मिनट आइए, मेरे साइज का एक पर्पल शर्ट अरेंज कर सकती हैं? हाँ जी सर, कब तक चाहिए? अभी। रॉकेट मैन, हाँ? तुझे क्या लगा? रॉकेट की तरह उड़ेगा तू? तारिका, ये कब से वीडियो देखते बैठा है? अरे वो हट ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जब तक मर्डरर्स का पता ना चल जाए ना, मैं रिपीट मोड में देखते ही रहूंगा। अच्छा, परम के बारे में क्या पता चला? सो उसकी भी हालत ठीक सनी जैसी है, लेकिन उसके सिस्टम में भी ड्रग्स नहीं मिली। सांगे, सांगे, क्या है क्या इस वीडियो में? कब से देखते बैठा है तू? 30 बार देख चुका हूँ और 50 बार देखूंगा। तब तक देखूंगा जब तक सुराग हाथ में नहीं लग जाता। और वैसे भी तुम लोगों को तो सुराग ही चाहिए ना, और तो कोई संबंध है ही नहीं ना हमारा। सर, सर, ये साइबर टीम से पता चल गया ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ? कहाँ से अपलोड? आउट ऑफ इंडिया से सर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? रॉकेटमैन शो तो सर यहाँ पे इंडिया में बनी है। हाँ? हाँ सर, वो बात सही है, लेकिन खबर पक्की है? नहीं पंकज, खबर शायद गलत है। सर ये देखिए, ये वीडियो जब मैंने वापस देखा तो रॉकेट मैन के कपड़े पे मुझे क्या मिला? केवी सर, ये मेरे ही नाम का इनिशियल है। आपके नाम के इनिशियल के ये जो कॉस्ट्यूम है वो सर नकली रॉकेट मैन के वीडियो में कैसे? सर मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? हाँ, इसका मतलब साफ है, या तो आपने या फिर आपके यूनिट में से कोई है जो इन कॉस्ट्यूम को वो नकली वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया है। सर मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ सेट पर कुछ लोग मेरे काम से जेलस है, हो सकता है उसी में से किसी का किया धरा हो। ऐसे कितने कॉस्ट्यूम्स है तुम्हारे पास? जी 3 है, एक अरुण ने पहना हुआ है, 2 बैकअप के लिए हम रखते हैं, अलमीरा में सेफ है। दिखाओ जरा। मैम ये देखिए, दोनों कॉस्ट्यूम्स यही हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैम ये कॉस्ट्यूम्स इतने एक्सपेंसिव है कि इन्हें लॉक करके रखा जाता है, और मेरे अलावा इन्हें कोई और हाथ नहीं लगा सकता। ले जा सकते हैं शूटिंग खत्म होने के बाद, और बाद में शूटिंग शुरू होने से पहले ला के रख भी सकते हैं। अलमीरा की चाबी किस किस के पास होती है? वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हो सकता है किसी और ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो उसकी चाबी से। जरा इस प्रोडक्शन कंट्रोल को बुलाओ। अरे राजेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसे। यही हूँ सर। सर मुझे पता था सारा इल्जाम मुझ पे ही आने वाला है। जब भी शूटिंग में कोई गड़बड़ होती है तो डांट प्रोडक्शन वालों को ही पड़ती है। अलमीरा की चाबी तुम्हारे पास है ना? सिर्फ नाम के लिए होती है मेरे पास सर। दिन भर में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे चाबी मांगते रहते हैं, कभी कॉस्ट्यूम निकालने के लिए, कभी जूता चप्पल। तो अलमीरा की चाबी कौन कौन मांगता है तुमसे, जरा नाम बताओ। सर ये देखिए सर, इस छल्ले में इतनी सारी चाबियां हैं सर, कॉस्ट्यूम की प्रॉपर्टी। मैंने तुमसे नाम पूछा, कौन सी चाबी कौन सी अलमारी की है ये नहीं, इस चाबी का गुच्छा कौन कौन लेके जाता है। सर एक काजल जी और उनके असिस्टेंट माला, एक हमारे डायरेक्टर साहब, एक आर्ट डायरेक्टर, और 6 स्पॉट बॉय और एक ड्रेस दादा सर। और तुम भी? मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसने क्या किया है वो हम पता कर लेंगे। थैंक यू। सर अपने अलावा और 10 लोगों के नाम लिए इस राजेंद्र ने। और इस सब का मास्टरमाइंड इन 11 लोगों में से कोई भी हो सकता है, मगर कौन? सर सस्पेक्ट्स की लिस्ट तो बन गई, मगर अभी तक ये पहली नहीं सूझी है कि ये वीडियो देखकर लोग खून क्यों कर रहे हैं। ऐसा है क्या इस वीडियो में? ये तारिका, ये अभी भी वीडियो देखते बैठा है? सर मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इन्होंने वॉशरूम तक का भी ब्रेक नहीं लिया, कॉन्स्टेंट देखे जा रहे हैं। हुआ क्या है इसे? सर वैसे ये आप सबसे थोड़े अपसेट हैं। और क्यों? आप में से किसी ने इन्हें विश नहीं किया, आज इनका बर्थडे है। क्या? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया काम।
अरे यार तुम तो बता देती पहले। उन्होंने मुझे मना किया था आपको याद दिलवाने को। ये लो। इसीलिए वहाँ पे ना इतना मुकड़े उकड़े नजर आ रहे थे ब्यूरो में। तो अब समझ में आया वो तोहफा तोहफा क्या कर रहे थे। सब बर्थडे गिफ्ट। अरे यार जा। हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, मतलब हम सब सॉरी है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे सांगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिया सांगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब केक का ब्लेस यू। रिलैक्स डॉग। हां चेक चेक क्या हुआ? अरे पानी 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 पीजिए सर। सर सर पर्पल कलर का इतना भयानक है सर। यार ये परम और सनी पर वीडियो देखने वाला ऐसा ही असर हुआ था। यानी लोग किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं बल्कि इस वीडियो से समय उठाकर खून कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में जो लोग इस तरीके से हिप्नोटाइज हो रहे हैं? कुछ तो है उस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखता है उसके अंदर ये पर्पल कलर पहनने वालों का खून करने का जुनून सवार हो जाता है। वीडियो देख रहे हैं ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आदमी इतना वायलेंट हो जाए। है अभिजीत कुछ तो है इस वीडियो में। एक काम करते हैं रिवाइंड करके फिर से देखते हैं स्लो मोशन में एक एक फ्रेम चेक करते हैं। सर ये फ्रेम क्या होता है? पंकज एक सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं। जैसे ये देखो ये फर्स्ट फ्रेम, ये सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम। विलेन आगे क्या है? इन किल विलेन इन पर्पल पर्पल बैंगनी Kill villain in purple, save the world. मार डालो उस आदमी को जिसने पर्पल पहना है, तो बचा लो इस दुनिया को। नॉर्मल स्पीड में मैसेज नजर ही नहीं आ रहा था। सबलाइमिनल टेक्निक, अभिजीत सबलाइमिनल टेक्निक एडवर्टाइजिंग का एक टेक्निक है। ये 1950s में इस्तेमाल करते थे ये एडवर्टाइजर्स। दर्शकों के कॉन्शियस माइंड पे नहीं सबकॉन्शियस माइंड पे असर करता था वो, अचेतन दिमाग पर। फिर बाद में बंद कर दिया क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन ले लिया। सबलाइमिनल टेक्निक सर, मैंने भी सुना था कि ये टेक्निक हैवी मेटल म्यूजिक में भी इस्तेमाल की जाती थी 1970s में। तो कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह से टेक्निक और कला का गलत इस्तेमाल करते थे कई लोग। लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे जुर्म करवाते थे। एग्जैक्टली
अब कौन होगा इसका अगला शिकार? कौन? देखिए, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम सबको यहाँ बुलाया क्यों गया है? सो वही तो सोच रहा हूँ मैं, हम शूटिंग स्केड्यूल से वैसे ही पीछे चल रहे हैं, और अब ये नया ड्रामा इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। अब प्रोड्यूसर साहब ने खुद मैसेज किया है तो अभी उनकी बात को टाल तो नहीं सकते। चलिए बैठ जाइए आप सब, शायद अपने अगले शो का कॉन्सेप्ट या आइडिया शेयर करना चाहते होंगे प्रोड्यूसर साहब। मे बी, बैठ जाते हैं। आइए चलिए। नकली वीडियो है हमारे टीवी शो वाला। शाबाश रॉकेट मैन, शाबाश। ये देखने के लिए बुलाया हमें। आज अगर तुम नहीं होते तो ये दुनिया खत्म हो जाती। आज एक बार फिर तुमने इस दुनिया को बचाया। अरे क्या ये वीडियो तो फिर से शुरू हो गया। गाइस सॉरी, एक ही वीडियो बार-बार देख के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। आई एम लीविंग। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? तेरे क्या नया ड्रामा सर, दरवाजा भी बंद किया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा खोलो। लगता है प्रोड्यूसर के अगले शो का कोई प्लान तो नहीं बन रहा है। ओ गॉड, ये तो तीसरी बार शुरू हो गया वीडियो। प्रोड्यूसर सर बार बार क्यों दिखा रहे हैं हमें ये वीडियो? सब पर्पल पर्पल। सर अभी ये क्या नया ड्रामा है सर, पर्पल लाइट। बाहर से दरवाजा भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने सर, हद होती है। क्या हो क्या रहा है ये? शाबाश रॉकेट मैन, शाबाश। अर्जेंट था सर, वो सीआईडी वाले आए सर। दीपक, टीवी शो में स्पॉट बॉय का काम करते हो हैं? और शूटिंग के बाद खून का खेल खेल रहे थे। खेल खेलना तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। फंसा दिया ना हमने भी तुम्हें तुम्हारे जाल में। तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए हमने वो वीडियो रिपीट मोड में ऑन कर दिया, फिर पर्पल लाइट्स ऑन कर दी, जिससे सबके कपड़े बैंगनी नजर आने लगे, तुम्हारे भी। सिर्फ मुजरिम यानी तुम्हें मालूम था कि खूनी बैंगनी कलर के कपड़ों पे अटैक करता है। बस फिर क्या था, भीगी बिल्ली की तरह तुम वहां से जान बचा के भाग निकले और हमारे चंगुल में फंस गए। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने मुझे अपने चंगुल में फंसाने में, अब मैं कामयाब हो गया हूँ। इसे तुम कामयाबी कहते हो? मासूम लोगों की जाने लेना, उन्हें ब्रेन वॉश करना, उनसे खून करवाना, इसे तुम कामयाबी कहते हो? साइंटिस्ट हूं मैं, साइंटिस्ट। अपने मकसद के लिए रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। इसके लिए दो तीन लोगों की जान भी चली जाए तो कोई चिंता नहीं। चुप। विज्ञान इंसान को जिंदगी देता है, इंसान की जिंदगी नहीं लेता। तुम जिसे विज्ञान कहते हो ना, उसने दो मासूम लोगों की जाने ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। सर एक बात बताओ। क्या हो तुम लोग कंजूस यार? अरे इतना छोटा सा केक लेके आए हो यार। ले लीजिए। सर एक तो आपने मुझ पे हमला किया
और आपका बर्थडे याद करके मैं एक केक लेके आया हूँ और आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं दया यार, देखो हमला करने के लिए मैंने तुमसे माफी मांग ली, मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ यार, लेकिन लेकिन केक तो छोटा ही है भाई, ये नहीं इतना सा केक तो ये अकेला फ्रेडी खा जाएगा। अरे सर आप प्लीज केक काटिए ना, बहुत भूख लग रही है, इसके बाद आपके डिनर पार्टी में भी तो जाना है। मेरी पार्टी? हाँ मतलब अब आप कंजूसी मत करो यार। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, आज सालुखे की तरफ से पार्टी। Happy birthday to you, happy birthday to you,